तमाम आपराधिक वारदातों में
आरक्षित्री अरुण यादव थाना वजीरगंज, आपके द्वारा कई प्रकरणों में काफी अच्छी भूमिका निभाई गई है, इसीलिए आपको डीजी सर के जीरो रिलीज के द्वारा नवाजा जा रहा है। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा श्री लक्ष्मीकांत गौतम सर, जो सीओसीटी सर के पद पे कार्यरत थे। आपको काफी अच्छा कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सीओसीटी सर के पद पर रहते हुए आपने काफी सर द्वारा काफी मॉनिटरिंग अच्छी की गई है, श्री लक्ष्मीकांत गौतम सर। इसके पश्चात मैं नाम बता दे रहा हूँ, श्री आलोक कुमार राव जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर है, आपके द्वारा काफी सक्रिय कार्य किया गया 1100 को बरामद भी करने में और तमाम वारदातों में। इसके पश्चात उप निरीक्षक श्री सुनील सिंह हुआ प्रभारी मंत्री के रूप में, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोंडा पुलिस के माध्यम से यहाँ पर परेड था, परेड के लिए सलामी लेने आया था और बहुत अद्भुत यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और बड़ी खुशी हुई कि कोरोना काल के बावजूद भी बहुत अच्छी तैयारी गोंडा पुलिस ने की है। सभी गोंडा के निवासियों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ है। उसके केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, किसानों का हित हमेशा सामने रहता है केंद्र सरकार के, और उसी हित को देखते हुए जो भी निर्णय होगा केंद्र सरकार और किसानों के बीच में दिया जाएगा। क्या लगता है किसानों को? इसमें मैं नहीं कहूँगा, और किसान वो ट्रैक्टर रैली भी चाहते तो उसको उसका भी अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। समाप्ति है उस राजनीति में, मैं इतना ही कह सकता हूँ, वो किसानों को नुकसान ही कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति? रोटी सेकने की। अच्छा। तो जो समाजवादी पार्टी करती है या अन्य पॉलिटिकल दल करते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, मगर वो विफल रहेंगे। कितनी पार्टी है तो अपने ही आड़ में करेंगे ना। आप इतना ही छोड़ दीजिए कि जो भी है किसानों के विषय पे, वो केंद्र सरकार उचित निर्णय लेगी किसानों के साथ में। आने वाले दिनों में चाइना को किस दल है वो आज पूरे के पूरे जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे सतर्क है, खड़े हुए हैं, -40 डिग्री में है और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। कि कोई भी चाइना से भारत की तरफ देखेगा या ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, उनको वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और केंद्र सरकार के की तरफ से उनके हाथ बंधे भी हैं। मुझे लगता है कि अभी वो झूला झूलने की स्टेज से बाहर ही नहीं निकले हैं, वो अभी तक झूला झूल रहे हैं बेचारे। तो राहुल गांधी पे क्या बोले हम लोग, टिप्पणी करें या उनकी जो टिप्पणी करते उस पर हम लोग क्या बोले। सर जो है सभी चीज शामिल करेंगे और राम मंदिर की झांकी भी है शामिल की गई है, तो एक अच्छा है और सभी देशवासियों को उसकी राम मंदिर भव्य बने उसकी प्रतीक्षा भी। आप कोशिश से या उनकी माता जी से पूछिए।